असमंजने अपने सारथी के मुख से सुनकर अपने गुरु वशिष्ठ बाबा के पास में गए और गुरु जी से जाकर कहा, गुरुदेव मेरे 60,000 भाई अश्व ढूंढने के लिए, घोड़ा ढूंढने के लिए गए थे, पर उनको मिला नहीं और मेरे भाई भी नहीं मिल रहे, पूरी पृथ्वी पर ढूंढ लिया नहीं मिला, आप कुछ कृपा करो ना गुरुदेव। वशिष्ठ बाबा ने कहा, एक काम करो, रुको तुम जरा अच्छे से सुनना, गाय का कंडा, कंडा जानते हो, छत्तीसगढ़ में कंडा ही बोलते हैं कि गोबरी बोलते हैं, हाँ ठीक है, हाँ एक जनी बोलो तो मालूम पड़े ना, तो इतने सारे चेला, हाँ ढेला और ठेला, चलो ठीक है, अरे रखो रे बाबा, छेला छेना, हो रे दादा, तो हर छत्तीसगढ़ में तो गजब को नाम आए बाबा, गाय का जो गोबर गिरता है, कंडा बनता, छेना बनता, या वो उपला, अलोना, गोबरी, जो समझो आप, वो बन गया। पितरों को घी में गुड़ मिलाकर, शक्कर मिलाकर धूप देते हैं, वो धूप का प्रारंभ कहां से हुआ वो समझना। असमंज ने वशिष्ठ बाबा से कहा, मेरे भाई नहीं मिल रहा। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, रुको, अपने शिष्य से कहा, नंदनी गाय का जो गोबर का कंडा बना है, छेना बना है, उसको लेकर अलोना, गोबरी, उसको ला। कंडे को लाया गया, अग्नि में जलाया गया, जलाकर असमंज के सामने उसको रखा गया, उसमें नंदनी गाय के दूध का घी बनाकर उस कंडे पर छोड़ा गया। कंडे में से जो धुआं निकला, जो धूप निकली, जो तरंग निकली, जो सुगंध निकली, वशिष्ठ बाबा ने असमंज से कहा, सुनो, ये तरंग, ये धुआं, ये गंध इस कंडे की, गाय के गोबर के कंडे की, उस घी की तरंग जहां जा रही है वहां तुम जाओ, इस तरंग, इस सुगंध के पीछे पीछे जाना, तुम्हें तुम्हारे भाई प्राप्त हो जाएंगे। असमंज उस तरंग सुगंध के पीछे 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 खुशबू लेते हुए सुगंध धुएं के पीछे पीछे जाने लगा। जाते 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 कपिल मुनि के आश्रम में असमंज पहुंच गए। सुगंध जो कंडे पर धूप दी थी, घी छोड़ा था, नंदनी गाय का जो घृत छोड़ा गया था, उसकी गंध से कपिल मुनि के आश्रम में राजा रुक गए। असमंज उस गंध को वहीं पर जानकर उन्होंने देखा, यहां पर जरूर मिलेंगे। तब कपिल मुनि मिले और कपिल मुनि से मालूम पड़ा कि मेरे 60,000 भाइयों ने कपिल मुनि पर घोड़े के चोरी का, अश्व की चोरी का इल्जाम लगाया था, अश्वमेध यज्ञ के अश्व की चोरी का इल्जाम लगाया था, इसलिए ये 60,000 कपिल मुनि के आश्रम में जलकर भस्म हो गए, 60,000 राख के ढेर बन गए। असमंज ने कपिल मुनि के हाथ जोड़ लिए, गुरुवर मैं आपको नमन करता हूँ, मेरे भाइयों से गलती हो गई, आप पर चोरी का इल्जाम लगा दिया, निवेदन केवल इतना है कि अब मेरे भाइयों का कल्याण कैसे होगा।
ये मेरे 60,000 जो भाई मरे हैं इनकी मुक्ति कैसे होगी, इनका मोक्ष कैसे होगा? कपिल मुनि ने कहा, ब्रह्मलोक से गंगा पृथ्वी पर लेकर आना। गंगा का जल जब कपिल मुनि कहते हैं मेरे आश्रम में आएगा, तो ये 60,000 राख के ढेरों का कल्याण गंगा का जल कर जाएगा। ये गंगा का जल 60,000 राख के ढेर का उद्धार कर जाएगा। गंगा का जल लाना चाहिए। आसमंज, गंगा जी लाने में समय लगेगा, पहले तुम तुम्हारा घोड़ा लेकर जाओ, अश्व लेकर जाओ, और तुम्हारे पिता सगर से अश्वमेघ यज्ञ की पूर्ण आहुति करवाओ, उसके बाद में गंगा लाना। अश्व लेकर असमंज चले, पर असमंज घर नहीं गए, वशिष्ठ बाबा के घर पर पहुंच गए। वशिष्ठ ऋषि के यहाँ जाकर असमंज ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव तुमने जो कंडे पर घी छोड़ा था, गाय का जो घी छोड़ा था, उसकी जो गंध उठी थी, वो गंध ने मुझे अपने भाइयों से मिलवा दिया। आपसे एक निवेदन है गुरुदेव। गुरुजी बोले, वशिष्ठ बाबा बोले, बोलो असमंज क्या चाहते हो? असमंज ने कहा, गुरुवर एक आशीर्वाद संसार के लोगों के लिए दे दीजिए है कि गाय के गोबर के कंडे पर, गाय के गोबर के छेना पर, अलोनी पर, इस कंडे पर जो घृत गाय का घी छोड़ेगा या गुड़ शक्कर उस पर छोड़ेगा, उसकी गंध उसके पितरों को तृप्त कर दे और पितरों का आशीर्वाद उसके घर पर मिल जाए, ये मुझे वर दीजिए, ये मुझे वर प्रदान करिए। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनके घर में कंडा जलाकर धूप दी जाती है? हाथ हिलाओ जरा। सभी लोग हैं, बहुत सारे, ठीक है, रखिए रखिए रखिए, जरूरी है। श्राद्ध पक्ष में ये दुनिया के लोग भले हंसे हमारे सनातन धर्म पर, दुनिया के लोग भले हमारे सनातन धर्म पर उंगली उठाएं कि कंडा जलाकर धूप छोड़ने से क्या पूर्वजों को मिल जाती है, घी शक्कर छोड़ने से क्या हमारे पूर्वजों को प्राप्त हो जाती है। दुनिया के लोग कितना भी हंसें, दुनिया के लोगों को ये ज्ञान होना चाहिए कि गाय के घी में, गाय के कंडे में जब अग्नि तपती है और गाय का घी जब कंडे पर डलता है, तो हमारे पूर्वजों को वो तरंग प्राप्त होकर हमें वर प्राप्त होता है और हमारे जीवन का कल्याण होता है, हमारे जीवन का सुख प्राप्त होता है।